अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहदीन में आप सभी का खैर मकदम है। बात संविधान से शुरू करते हैं ताकि सभी को समझ में आए कि मुल्क का संविधान और मौजूदा हालात में कितना फ़र्क है, कैसे एक समाज को संविधान की मुखालफत में हिरासा किया जा रहा है। संविधान महज कहने के लिए बाकी है। आईन हिंद की दफा 25 से 28 तक इस बात को वाजह करती है कि कोई भी अपने मजहब के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात पर अमल कर सकता है। साथ में इस बात को भी वाजह किया गया है कि मुल्क एक सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष ढांचे पर खड़ा है। खैर, इस बात का जिक्र आज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आज निशाने पर अकलियती समाज है और ये तो हर रोज की बात होती जा रही है, और खासकर मुस्लिम समाज का जिक्र किया जाए तो गलत ना होगा। हाल ही में ईद मिलादुन नबी पूरे मुल्क में मनाया गया, लेकिन इसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसका भी तज़किरा जरूरी है। महाराष्ट्र के वाशिम जिला में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाला, जिसने डीजे की धुन पर मुसलमानों का हरा परचम लहराने की जरूरत की और डीजे की धुन पर डांस भी किया। अब मिलाद में भी डीजे लगाना सही है या गलत है, एक अलग बहस है। खैर, आज जिस मौजू की तरफ निशानदेही करनी कुछ अलग है। अब जब मुसलमानों के परचम को लेकर डांस करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ तो इसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। पुलिस वाले का नाम आकाश खंडारे है। इस मिलाद का जुलूस वाशिम जिला के कमरगांव में निकाला गया था और ईद मिलाद के जुलूस के वक्त आकाश खंडारे की उसी जगह पर ड्यूटी थी। लिहाजा वीडियो वायरल होने पर एसपी बच्चन सिंह ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौकरी से माजूल यानी सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पर भी तस्करे किए जा रहे और तस्करे करना जरूरी भी है, पर सवाल अगर संविधान के ही दायरे में पूछा जाए तो क्या महज मुस्लिम परचम लहराने या मिलाद के जुलूस में पुलिस वाला शरीक होने पर ही कार्रवाई की जाती है या फिर दिगर मजाहिब के जुलूसों में भी शिरकत करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो चुकी है? इस तरह के सवाल उठना लाजिम है क्योंकि किसी भी सरकारी मुलाजमीन का जब वो अपने खिदमात अंजाम देता रहता है यानी ड्यूटी पर होता है वर्दी में, तो संविधान के मुताबिक उसका कोई मजहब नहीं होता और किसी भी मजहबी जुलूसों में ऑन ड्यूटी शरीक नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों में या जुलूसों में ऑन ड्यूटी शरीक होना जुर्म है तो क्या नवरात्रि या गणेश फेस्टिवल में शरीक होना कहां तक सही है? अब तो एयरपोर्ट पर सरकारी मुलाजमीन गरबा करते हुए देखा जा रहा है और वो वीडियोज वायरल भी हो चुके हैं। इसे क्या कहा जाए? पुलिस वर्दी में होली खेली जाती है। खैर, किसी भी ईद त्योहार में यकीनन शरीक हो सकते हैं क्योंकि मुल्क के संविधान के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात में शिरकत कर सकता है कोई भी फर्द, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो इतनी शिद्दत क्यों? ऐसा सवाल भी पूछना लाजिम हो जाता है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे गरबा एयरपोर्ट पर किया जा रहा है, और साथ में भी महाराष्ट्र का ही वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं जिसमें ड्यूटी पर पुलिस अफसरान गणेश त्योहार में वर्दी पहनकर डांस कर रहे हैं। एक और वारदात का जिक्र इसके साथ जरूरी समझूंगा और इसका जिक्र होना भी जरूरी है। बुरका पर्दा हिजाब मुसलमानों का खवातीन के लिए लाजिम करार दिया गया और औरतों को सर से पांव तक जिस्म को ढांकने का हुक्म दिया है। और जैसे अभी हमने संविधान की बात की तो संविधान के मुताबिक हर एक को अपने मजहबी मामलात में अमल करने का हक है और मुस्लिम खवातीन इस पर अमल भी करती रहती है। पर पिछले कुछ अरसे से जब से हिजाब का मामला तूल पकड़ चुका है, मुसलमानों के इस तहजीब का भी खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है और खासकर गैर मुस्लिम इसे पहनकर जुर्म करते हुए भी पकड़े जा रहे हैं। केरला का एक वाकया और फिर दिगर वाकया, दो वाक्यों का जिक्र जरूरी समझूंगा। केरला कोझिकोड स्टेशन के करीब एक शख्स बुरका पहनकर घूमते हुए पकड़ा गया। इसकी तहकीक करने पर मंदिर का पुजारी निकला। अब जब पकड़ा गया तो अजीब अजीब जवाब देने लगा। चिकन पॉक्स की वजह से बुरका पहनने की बात इसने कही और ताज्जुब देखिए मीडिया वालों ने इसे सही भी मान लिया और इसी को सच समझ कर इसे दिखाया भी गया। क्या इस पर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन यूएपीए या एसआईटी या एनआईए की जानिब से इसकी इंक्वायरी होगी, इनके पुजारी की इंक्वायरी की जाएगी? क्योंकि अब पुजारी को छोड़ देने की बात कही जा रही है। आखिर मंदिर के पुजारी को बुरका पहनने की क्या जरूरत पड़ी, या फिर ऐसी कौन सी संगठन यानी कि किसी ऐसी तंजीम से इसका ताल्लुक है जो किसी मिशन पर निकला हुआ हो, या फिर क्या मिशन इसे कुछ सौंप दिया गया था जिसे वो अंजाम देना चाहता था वगैरह, पुलिस तहकीक में बाहर आ सकता है। पूछताछ होनी चाहिए। अगर महज गरबा में मुस्लिम नौजवान मिल जाता है तो इस पर कार्रवाई हो जाती है, मुकदमे भी दायर किए जाते हैं, उसे पहले तो अधमरा और कभी कभी पूरा जान से मार दिया जाता है, तो इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ हिंदू नौजवान बुरका पहनकर गरबा कर रहे हैं। अब तो नवरात्रि भी खत्म हुआ है लिहाजा वीडियो काफी वायरल हुआ है, पर अब तक पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ये भी सच्चाई है। तमाम मुजरिमों के चेहरे नजर आ रहे हैं तो आखिर पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये भी सवाल इसे संविधान के दायरे में पूछने की जरूरत है। कैसे मुस्लिम माशरे का मजाक, मुस्लिम तहजीब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
अपने आप को कानून के पासवान और मुल्क के तहजीब तमद्दुन के मुहाफिज बनने वाले इन तमाम वारदातों पर खामोश क्यों है? क्या अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई इस तरह हरकत करता तो इसे यूं ही नजरअंदाज किया जाता? और सबसे अहम बात तो मुस्लिम समाज की है, इसे तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं, इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि मुल्क का संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था अभी भी जिंदा है, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। आपको भी इस संविधान में उतना ही हक दिया गया है जितना दूसरों को दिया गया। लिहाजा जहां भी कहीं पर गलत नजर आ रहा है वहां पुलिस मुकमा, कमिश्नर, डीसी, यहां तक अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाए। हाल ही में वड़गांव इलाके में दुर्गा माता दौड़ के वक्त मारो काटो के नारे लगाए गए, लेकिन इत्तला के मुताबिक कोई भी यहां फरियाद दर्ज करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, लिहाजा किसी पर भी कार्रवाई होने से रही। इसी तरह अक्सर देखा जाता है कि गैर कानूनी कामों को हमारी खामोशी ही तकवियत पहुंचाती है। भले कार्रवाई हो या ना हो पर आवाज उठानी पड़ती है और आवाज उठाना जरूरी है। आपको इंतजामिया के पास फरियाद दर्ज करनी होगी। इस तरह खामोश हर जगह पर रहना आने वाली मुसीबतों को दावत देने के बराबर है। महज जुलूसों में नारे लगाने से काम नहीं बनता, अमली मैदान में उतरना पड़ता है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महज दावे करने वाला मुसलमान नजर आ रहा है। पहले संविधान को पढ़े और फिर आवाज उठाए, क्योंकि यहाँ हर एक को बोलने की, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। और मुजरिम जो भी हो, किसी भी मजहब का, भाषा, धर्म का हो, अगर जुल्म किया है तो कार्रवाई जरूर होगी। लिहाजा रोजाना कुछ ना कुछ एक समाज को लेकर नैरेटिव चलाया जा रहा है। रोजाना हमले तेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम खामोश हैं। और यकीन मानिए, ये तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी नस्लों को गूंगा बना देगी, इतना सच है। बलराम शहर में जमकर बारिश बरसे, जिससे शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी बहते हुए देखा गया। फ्रूट मार्केट, उज्जवल नगर, गांधीनगर ब्रिज हमेशा की तरह पानी में देखा गया। आइए कुछ मनाजिर देखते।
साथ गलत हरकत को अंजाम देने को लेकर करोशी में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसका खुलासा आज पुलिस की जानिब से किया गया। इत्तला के मुताबिक 7 अक्टूबर को सुनील सालुंखे की लाश करोशी के खेत में बरामद हुई थी। आज इसका खुलासा करते हुए 2 लोगों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। राजू दौड़मनी और मानतेज तलवार को हिरासत में लिया गया है। किसानों की जानिब से 5,500 रुपए टन गन्ने का दाम देने पर आज भी एहतजाज जारी है। दिन रात एहतजाज किया जा रहा है। डीसी दफ्तर के सामने दिन रात एहतजाज करते हुए किसानों को देखा गया। तिलकवाड़ी तीसरा रेलवे गेट के पास ब्रिज सवारियों के लिए तैयार तो है, पर अब नाम को लेकर तनाजा होने के इम्कान नजर आ रहे। कन्नड़ फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार का नाम इस ब्रिज को दिया जाए, इस मांग कन्नड़ तंजीमों की जानिब से की जा रही है। कन्नड़ राज्योत्सव के वक्त इस रेलवे ओवर ब्रिज को नाम देने की मांग की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।